इधर से चेसी टूट गया था एंड जब भी मैं गाड़ी पे बैठता था तो थोड़ा सा फ्लेक्स होता था गाड़ी। लेट्स पुल। बॉबी किधर है? ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज प्रीटी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। साइड स्टैंड पे नहीं, अपन अभी लगाएंगे मेन स्टैंड पे। अपना गाड़ी का अभी मेन स्टैंड का भी काम हो गया, जैसे कि आप लोग ने पिछला वाला व्लॉग में देखा रहेगा। और ये जो सब आप लोग देख रहे हैं ये सब स्प्रे पेंट का दाग है, तो ये चलेगा अभी। और सीन कुछ ऐसा है कि ये 5 स्पीड का स्टैंड लगा हुआ है इसके अंदर एंड इधर से थोड़ा सा पट्टी का काम करा के, एक्चुअली ये और थोड़ा झुकता है, पट्टी का काम करा है तो और थोड़ा सा गाड़ी अभी स्ट्रेट है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी ज़्यादा अभी चिपकता नहीं है दोनों भी टायर्स। एंड जो अपना चेसी का काम हुआ था वो इस जगह पे हुआ था, इधर से चेसी टूट गया था एंड जब भी मैं गाड़ी पे बैठता था तो थोड़ा सा फ्लेक्स होता था गाड़ी। और यहाँ पर काम किया है और इस वाला जगह पर भी काम किया है पीछे से, इधर से भी गाड़ी पूरा बैठ गया था नीचे। एंड जो मैंने स्प्रे का बात किया, सब हम लोग ने काम कराने के बाद में फिर उसके बाद में घस के उसको, फिर उसके बाद स्प्रे पेंट मारा हाई परफॉर्मेंस के, हाई टेम्परेचर ऐसा कुछ तो भी स्प्रे पेंट रहता है। एंड ये सब अभी जब भी पेंटिंग के लिए जाएगा तभी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर देंगे। एंड बाकी का कुछ कुछ काम है जो कि हम लोग बाद में करने वाले हैं, तो बाकी की बातें अपन करेंगे बाइक चलाते चलाते। तो गाइस आज का वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है गाइस कि उस दिन जब अपन गाड़ी बना के निकले, ओहो हाइलक्स नाइस जबरदस्त। कमेंट्स में बताओ गाइस कि आप लोग फॉर्च्यूनर लेंगे या हाइलक्स लेंगे। मैं तो हाइलक्स लेगा क्योंकि अपन पीछे बाइक्स लोड करके उस पर लेके जा सकते हैं, दो दो बाइक्स वो भी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि उस दिन जब अपन ने गाड़ी का काम करा कि हम निकले तो अंधेरा हो गया था एंड तभी हम लोग थोड़े से घाई में थे और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ लफड़ा। ये क्या हो रहा है भाई? एनीवेज ये तो चलते रहता है। तो उस दिन हम लोग बॉबी देखने जा रहे थे और घाई घाई में बताने कुछ मिला नहीं गाड़ी के बारे में। एंड आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को आप लोगों को बताना है कि ये जो वेल्डिंग वाला काम जो गाड़ी का हुआ है उसके बाद से गाड़ी कैसे चल रहा है। तो गाइस अगर एक ही वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि गाड़ी कैसे चल रहा है वो है ब्रांड न्यू। दो वर्ड हो गया लेकिन ज़बरदस्त। यस ये एक वर्ड हो गया, ज़बरदस्त चल रहा है गाड़ी एकदम। लिटरली गाइस गाड़ी एकदम रोड पकड़ के चल रहा है पूरा सीधा, कोई टेंशन नहीं। पहले ऐसा था कि गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलता था एंड पीछे जब भी पिलियन बैठेगा तो गाड़ी बहुत फ्लेक्स होता था और वॉबल मारता था। एंड मेरा जो सस्पेंशन है गाड़ी का वो मैंने 2 सेटिंग स्टिफ किया था, मतलब प्रीलोड रहता ना गाड़ी का जो सस्पेंशन का स्टिफनेस रहता है, सस्पेंशन का जो स्टिफनेस रहता है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, मतलब और हार्ड किया था उसको, ये सोच के कि मेरे को ऐसा लगा था सस्पेंशन फ्रॉम कंपनी सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा चेसी फ्लेक्स हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर उसको सीट के नीचे सपोर्ट नहीं था तो वो बाउंस हो रहा था उस जगह पर, उसको कोई पकड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है तो वो पूरा हिल रहा था। एंड दूसरे जगह से पकड़ा हुआ था, एक जगह से पकड़ा नहीं था, चेसी हो रहा था फ्लेक्स एंड मेरे को लगा कि सस्पेंशन अपना सॉफ्ट है। तो जैसे ही चेसी का काम कराया पूरा बॉडी को, पूरा चेसी को एक रिजिडिटी मिल गया, पूरा का पूरा अभी वन पीस में अभी गाड़ी चल रहा है और एकदम टाइट कॉम्पैक्ट एकदम चल रहा है, मतलब लिटरली गाड़ी चलने का एकदम फील ही बदल गया। जिस दिन से फ्रेम का काम कराया ना उस दिन से बहुत ही मस्त चल रहा है गाड़ी, एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है। हम लोग ने ना इंजन में कुछ काम किया ना हम लोग ने कुछ परफॉर्मेंस का कुछ काम किया, कुछ भी नहीं, फिर भी गाड़ी चलाने का बहुत अलग ही मज़ा आ रहा है, पहले से बहुत ही अलग चल रहा है। अगर आप लोग के गाड़ी में भी कुछ ऐसा चेसी वगैरह का प्रॉब्लम है तो इंस्टेंटली करा लो। तो जैसे कि आप सभी को पता ही रहेगा 40-40 साल हो गया ये सब चेसी को, अभी मेरा गाड़ी का तो हो गया रहेगा 28-30। ओहो एंड लाइन नाइस।
मेरा गाड़ी का तो 30 साल हो गया, बट ये जो चेसी है ये मार्केट में है 40 साल से, तो उससे आप लोग समझ ही जाओ कि ये कितना जूना टेक्नोलॉजी है। तो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हवा पानी रस्ट खा के ना ये ख़राब होता ही है, तो उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। एंड जो भी सब कोस्टल रीजन्स रहते हैं जैसे अपना मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई, ये जो सब साइड रहता है ना, इधर समंदर के साइड जो भी लोग रहते हैं उनको सॉल्ट वाटर उनका गाड़ियों को बहुत फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पर रस्टिंग बहुत देखना पड़ता है। वही आप लोग पुणे जैसा एरिया में चले जाओ जो हम अपने इधर से जैसे मुंबई से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, 140 किलोमीटर का डिस्टेंस, वहाँ पे ये सब रस्टिंग वगैरह देखने नहीं मिलता है। पेंट ज़्यादा दिन तक इंटैक्ट रहता है एंड उसका लाइफ बना हुआ रहता है, लेकिन मुंबई जैसे रीजन्स में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो वो चीज़ चेसी को भी अफेक्ट करता है। तो आप लोग एक बार टाइम निकाल के कभी फुर्सत में आपका गाड़ी का सब पार्ट्स, टैंक एंड पैनल भी खोल दो और सीट खोल दो, तीन आइटम खोल दो, तो आप लोग को अपना चेसी का कंडीशन दिख जाएगा। चलो भैया, बहुत ही मस्त चल रहा है, मैं आप लोग को वीडियो में नहीं बता सकता है कि गाड़ी कितना अच्छा चल रहा है। लेट्स पुल, गाड़ी लिटरली एकदम तीर के जैसे जा रहा है, तीर के जैसे। एंड और एक चीज जो मैंने नोटिस किया जो कि है बहुत ही एकदम जबरदस्त पॉइंट, वो है फ्रेम का रिजिडिटी बढ़ने की वजह से, उसका स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से अभी वाइब्रेशन भी खत्म हो गया सब कुछ, तो जो भी सब अननेसेसरी पार्ट गाड़ी का रहता था वाइब्रेट करता था तो उसका भी सब वाइब्रेशन खत्म हो गया। एंड उससे एक प्लस पॉइंट भी ये हो गया है कि वाइब्रेशंस और आएंगे भी नहीं, मतलब और मूविंग पार्ट्स कम हो गए ना गाड़ी के, तो और माइनस हो गया सब कुछ। अभी जैसा फ्रेम का वो जगह टूट गया था तो वो जगह वाइब्रेट करता था एंड वो दूसरे दूसरे पार्ट को भी हिला डालता था, तो वो अभी नहीं होने वाला है, तो वो एक प्लस पॉइंट है अभी। एंड ये सब फ्रेम का काम करा लिया, तो उस दिन तो हम लोग ने सोचा कि चलो किक स्टैंड भी बदल देते हैं, मेन वाला स्टैंड अपना, तो मेन स्टैंड हम लोग ने बदल के अभी 5 स्पीड का डाल दिया। तो नॉर्मल वाला जो किक स्टैंड रहता है एंड 5 स्पीड का किक स्टैंड में एक ही फ़र्क है कि मामा गार्डन में घूम रहे क्या। 5 स्पीड वाले में आपको साइड में एक रॉड निकला हुआ रहता है। ओ भाई नाइस, क्या दिख रहा है यार, स्लीक कॉम्पैक्ट, नहीं कॉम्पैक्ट तो नहीं है लेकिन फास्ट, तो वो भी काम करा लिया हम लोग ने। अभी अपन आए हैं छोटू भाई के गैरेज पे, तो दिख तो रहे हैं भाई बाहर। ए बाबा, और सर बॉबी किधर है? बॉबी क्या इधर जल्दी आएगी? A few moments later. चलो सर आता है। अरे ओ ये दे दो, फोर्क पाइप दे दो। और ये जाली, जाली को काटने का? जाली काटना पड़ेगा ना? वो भी मैं काट के लाऊं क्या? क्या ब्यूरो तुम करेंगे? काट देंगे इधर, ठीक है। तो मैं तुमको ये काम करके दे देता है फिर। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:05,
और अभी अपन निकल पड़े हैं छोटू भाई के गैरेज से टूवर्ड्स माय होम। एंड थोड़ा अभी छोटू भाई से ज़रा बैठ के हमने ज़रा गुफ्तगू किया, एक मस्त वाला एक टॉपिक पे वीडियो भी बन गया है जो कि आएगा इस वीडियो के बाद। अच्छा मस्त एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो कुछ ऐसा है कि हाउ टू ट्रस्ट मैकेनिक्स। एंड ये मैंने डायरेक्टली छोटू भाई के साथ में बैठ के डिस्कशन कर लिया क्योंकि वो खुद भी एक मैकेनिक है। एंड अच्छा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा उससे। एंड रिसेंटली अभी जो एक वीडियो बन गया था जो 90,000 का जो रेस्टोरेशन का जो गड़बड़ी किया था, पैसा बर्बाद, उस वीडियो के चलते मैंने एक कमेंट आया था जिसके वजह से मैंने वो वीडियो बनवाया। ओहो लुक एट दिस लाइट्स अमेजिंग। बाकी गाइस अपना गाड़ी तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी किसके ऊपर एक लंबा सा एक राइड होना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग राइड्स का वीडियो पे वैसा रिस्पांस नहीं आता है जैसा आना चाहिए, जैसा अपना बाकी सब बिल्ड्स वगैरह का कैसा आता है। मेरे जितने भी सब ट्रैवलिंग वीडियोस है RX पे, उस पर कभी आज तक इतना खास व्यूज़ आया नहीं है, जिस वजह से मेरे को कभी ऐसा मोटिवेशन आता नहीं है कि मैं लॉन्ग राइड पे मेरा गाड़ी लेके जाऊँ। अगर व्यूज़ भी अच्छा आएगा तो फिर मैं कभी ट्राई भी करेगा लॉन्ग राइड्स पे मैं वीडियो बनाऊँ जरा RX पे भी। रिक्शा वाले कभी एक लाइन में नहीं चलाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आ रहेगा आज का ये व्लॉग एंड कुछ सीखने मिला रहेगा। अगर आपके गाड़ी में भी ऐसा कुछ काम है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा लो क्योंकि अभी वो जिस कंडीशन में है उससे और ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप लोगों से। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अपना फ्रेम गाड़ी का ख़राब करवा के लेना है तो फिर रहने दो, नज़र मत डालो। एंड अगर उसका लाइफ बढ़ाना है और आगे अपना पॉकेट को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना है तो अभी जाके अपने पास के किसी भी मैकेनिक के पास टाकी पैनल और सीट निकाल दो और गाड़ी का कंडीशन देख लो, फ्रेम का क्या है, ज़रूरत पड़ा तो पेंटिंग वगैरह करा लो या वेल्डिंग वगैरह करा लो, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले किसी व्लॉग में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।